नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फरीदुद्दीन सिद्दीकी, A99 न्यूज़ वॉइस ऑफ इंडिया के खबरनामे में आपका खैर मकदम करता हूँ। एबिट्स पुलिस स्टेशन हदूद में पिछले माह 32 लाख रुपए चोरी की एक वारदात पेश आई थी, जो TVS जुपिटर की टिक्की में रखे हुए थे। तफसीलात के मुताबिक मनसूबेबंद तरीके से TVS जुपिटर गाड़ी की टिक्की से नकली चाबी की मदद से 32 लाख रुपए का सरखा किया गया था, जिसके बाद एबिट्स पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। एबिट्स पुलिस हरकत में आते हुए इस मामले में कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें अब्दुल माजिद शाहीन बेगम शामिल थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 31,10,000 नकद रकम, दो सेल फोन, एक टू व्हीलर गाड़ी और वो नकली चाबी जो इस वारदात में इस्तेमाल की गई थी, इन्हें जब्त कर लिया और इन्हें अदालती तौहील में दे दिया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सेंट्रल जोन DCP श्री पी विश्वा प्रसाद ने इस मामले की तमाम तफसीलात बताई। आइए नाजरीन इस खबर पर एक तफसीली रोशनी डालते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहीम के साथ। नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं, जिससे हमारे खबर की इत्तला आपको मिलती रहेगी। आपका सब्सक्राइब करना नाजरीन हमारी हिम्मत अफजाई होगी। आइए डालते हैं इस खबर पर नज़र। ये महीना 2 तारीख को यहाँ GPO के पास एक मुश्ताक सिर बोल के एक व्यापारी है, ये उनके पास एक पावर टूल्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बेचने का एक शॉप है। वो बेचने का जो सेल प्रोसेस रहता है वो पूरा कस्टमर से कलेक्ट करके GPO पास आके वहाँ एक रोड साइड वेंडर के साथ चिकन स्नैक्स खाते, उसी टाइम पे एक गाड़ी में डिक्की खोल के 32 लाख अमाउंट एक चोरी किया गया है। ये केस में हम एक टेक्निकल इनपुट्स और ये एम्प्लॉय, इसका एम्प्लॉय जो है मस्जिद, उसके खिलाफ शक था। उसके शक के हिसाब से उसको इंट्रोगेशन करे तो मालूम हुआ कि ये मस्जिद का एक दोस्त है शहीन बेगम बोल के, उनका वो फेसबुक से इसको परिचय हुआ है। वो फ्रेंडशिप से दोनों उन कभी कभी उनको जब भी पैसे ज़रूरत पड़े तो मैंने 2,000, 3,000, 5,000 ऐसे देते रहा था। जब उसका फाइनेंशियल नीड्स और इसका फाइनेंशियल नीड्स देख के ये अच्छी मौका, इतना सालों से मैं काम कर रहा हूँ, इतना लाखों रुपया मैं डिक्की में कैरी कर रहा हूँ, इससे अच्छा बड़ी मौका क्या हो सकता है बोल के मौका देख के कभी उसी दिन 2 तारीख के दिन ओनर का गाड़ी जुपिटर गाड़ी लेके उसका की डुप्लीकेट की मार्केट PS लिमिट्स में बनाया। उसी डुप्लीकेट की इसके साथ वो की शहीन बेगम को दे दिया उन्हें। कैसा भी 2 तारीख वो पैसा कलेक्ट करने के लिए कैसा भी जाएगा, तो जब मैं हम कलेक्ट करने जाते हैं आपको फ़ोन पे बुलाते हैं, वहाँ GPO तक आ जाना आप बोल के शहीन बेगम को ये मस्जिद बोल दिया है। तो पैसा पूरा पैसा कलेक्ट करने के बाद शहीन बेगम भी वहाँ आके वेट कर रहा था GPO के पास। जब ये लोग आके चिकन स्नैक्स खाने के बाद पान महल के पास तीनों बढ़े, उसी टाइम पे शहीन बेगम, उसके पास ऑलरेडी डुप्लीकेट की था वो की आके डिक्की खोल के उसमें जो बैग था उसमें 32 लाख का और 10,000 का जो बैग था वो बैग लेके वो होंडा एक्टिवा गाड़ी पे आया था, वो गाड़ी पे उन्हें चले गया है। ऐसा ये मस्जिद को पकड़ने से, मस्जिद को इंट्रोगेशन करने से उसका फेसबुक फ्रेंड और दोनों को पकड़ा गया है। अभी दोनों के पास पूरा चोरी हुआ जो भी 32,10,000 पूरा ये रिकवरी हो गए हैं। अभी दोनों को हम रिमांड कर रहे हैं, जो आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे उन दोनों के लिए। मस्जिद कोई पहले के केसेस नहीं कर, मस्जिद के पास कोई केस नहीं है पहले, ये तो एम्प्लॉय है, वर्कर है, 6 या 7 साल से इनके साथ काम कर रहा है मुश्ताक सिर से, कभी भी इसके इस पर कुछ शक नहीं था ओनर को। वो भी एक एडवांटेज लिया उन्हें, कैसा भी मेरे पास मेरे ऊपर नया, कैसा भी मैं ओनर के साथ रहता हूँ चिकन स्नैक्स खाते वक्त और पान खाते वक्त पूरा उनके साथ रहे तो उसके ऊपर नया आएगा। बट दूसरा आदमी को इस्तेमाल करके उन्हें चोरी करने के लिए ये प्लान अच्छी तरह बनाया था, बट कैसा पकड़ा गया है बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इनपुट्स, बिकॉज इन्हें फ़ोन पे उनको कॉल करा है, वो फ़ोन पे रेस्पॉन्ड हुआ है, वो फ़ोन पे यहाँ आके वेट कर रहा था। और इसका जो इतना सारा माल गाड़ी में रहे तो कम से कम एक बंदा तो वहाँ रहना है, पूरा गाड़ी छोड़ के पान के लिए पान के मसल पर नहीं जा सकते ना। तो ये पूरा देखे तो इस पर शक आया, वो हम जो शक सही प्रूव हुआ उसके हिसाब से पूरा कैश रिकवर हुआ। इसमें एबिट्स डिटेक्टिव इंस्पेक्टर गोपी और हमारा इंस्पेक्टर रवि कुमार, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर सब लोग अच्छी तरह काम कर रहे हैं। इनको जो भी अच्छी काम कर रहा है हमारा CP साहब भी इनको
फॉरेन 3-4 दिन में उसको रिवार्ड मिल रहा है। अभी आज भी इनको एक अच्छा अटेंशन डाइवर्शन गैंग पकड़ा गया था, उसमें रवि कुमार इंस्पेक्टर को और डीए को भी, दोनों को मिलिट्री सर्विस सेंटर भी मिल रहा है। जी भी जहाँ भी अच्छी काम हो रहा है उसके लिए हमारा सीपी साहब ने उनको रिवार्ड की तरफ से मिलिट्री सर्विस सेंटर और कैश रिवार्ड भी दे रहा है।